बालवीर, वहाँ कौन सा खतरा तुम सबके सामने आएगा हम कुछ नहीं जानते, पर हम एक बात जरूर जानते हैं कि वो परीलोक आप सबका है, और हम बड़े से बड़े खतरे का सामना करके भी आपको आपके परीलोक में प्रवेश कराएंगे। लेकिन वहाँ परीलोक में प्रचंडिका भी है। बुराई की शक्ति कितनी भी प्रचंड हो भटकाती परी, लेकिन सच्चाई और अच्छाई की तूफान के सामने नहीं टिक पाएगी। रानी परी, प्रचंडिका का अंत उसे दोबारा परीलोक में लेकर आया है, इसलिए आप हमें आज्ञा दीजिए और पांचवें द्वार में प्रवेश करने का रास्ता बताइए। तो ठीक है, बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र, आप तीनों जाइए और एक बार फिर से परीलोक पर सच्चाई और अच्छाई की जीत का परचम लहराइए। मोंटू की तो हालत ही खराब हो गई। हालत खराब हुई तो हुई, पर अब देखना मैं तुम्हारी कैसे हालत खराब करता हूँ। ए मानव, तुम मोनिका के साथ डांस करने के लिए मना कर दे, वरना 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 मोंटू बस तुम्हें सॉरी बोलकर यहाँ से चला जाएगा। वरना सारे गुब्बारे तुम पर फूटेंगे। देख मोंटू, हमसे पंगा मत ले, वरना ऐसा ना हो जाए कि पिछली बार की तरह तेरी हालत खराब हो जाए। मोंटू बॉस, इन पिज्जियों के भी पर निकल आया है। तो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को भी पर काटना अच्छे से आता है। आसपास बालवीर जी तो नहीं? मोंटू बॉस, मैं तो कहता हूँ भाग लो ऐसे, वरना इन गुब्बारों की जगह बालवीर जी हम पर बॉम्ब फोड़ेंगे। नहीं, बालवीर जी तो आसपास नहीं है, फिर ये हो कैसे रहा है? अरे यार, ये गुब्बारे हवा में कैसे फ्रीज हो रहे? मोंटू, हमने तो तुझे समझाया था ना कि हमसे पंगा मत ले। हाँ, हमने भी समझाया था, पर मोंटू बस सुनता क्या है किसी की? एक नंबर का बोका मानुष है। मैं तुम्हारे साथ डांस, यस यस यस, सो स्वीट।
स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। चलो मैं गाना लगाती हूँ, ओके? मनीष के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और दोस्त, अब मनीष को छोड़ेगा या नहीं ये पता नहीं, लेकिन मोनिका ने आपको छोड़ दिया है। मतलब ये, हाँ मतलब बॉस, मोनिका ने अपना डांस पार्टनर चुन लिया है। 1, 2, 3 तेरे पास तो बहुत सारे गैजेट्स है, तो देख ना इस बार भी कोई गैजेट रहेगा ना जिससे मैं मोनिका के साथ डांस कर सकूं। प्लीज प्लीज टिटू। अरे 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 मोंटू बॉस लाएगा ना, ऐसा गैजेट लाऊंगा कि आपका हालत खराब हो जाएगा। मतलब आप कमाल का डांस करेगा। अभी इधर ही रखो, मैं अभी लेकर आता हूं। गैजेट लाएगा मालवीर, बाल मित्र, ये जंगल तो बहुत ही घना लग रहा है और बहुत शांत भी है। पर रानी बरे ने तो कहा था ये जगह बहुत खतरनाक होगी, पर यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। नहीं बाल मित्र, ना दिखने वाला अनजान दुश्मन और भी ज्यादा खतरनाक होता है। हमें अपना हर कदम सावधानी से आगे बढ़ाना होगा। चलो आवाज तो पीछे से ही आई थी, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बाल सखी, ये जंगल है, यहाँ पे ऐसी छोटी मोटी आवाजें होती रहेंगी। हमें हमारा हर कदम सावधानी से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि खतरा हमारे आगे भी हो सकता है और पीछे भी। चलो चलो। डर लग रहा है, पता नहीं बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र उस खतरनाक रास्ते को पार करके पांचवें द्वार तक पहुंच पाए भी होंगे या नहीं। डरी परी, हम जानते हैं कि रास्ता बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे तीनों योद्धाओं के इरादे बहुत ही मजबूत हैं, और जहां इरादे मजबूत हो वो तो पर्वत भी हिला देते हैं, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। Thank you.
प्रचंडिका। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंडिका नाम है मेरा। डरो मत, मैं तुम पर वार करने नहीं आई हूं, मैं तो बस तुम्हारा दुख बांटने आई हूं, क्योंकि मुझसे तुम सबका दुख देखा नहीं जा रहा। पहले चोट देती हो, फिर दवा देने का नाटक करती हो। क्या करूं, मैं बस ऐसे ही हूं, जब तक जले पर नमक ना छिड़कूं चैन ही नहीं आता। अब देखो ना, तुम सब अपने नए परिलोक के इतने पास होकर भी उसमें प्रवेश करना तुम सबके लिए कितना दूर है, तो बस मुझे तुम पर दया आ गई। और मैंने सोचा, अरे तुम सब तुम्हारे अब मेरे नए परिलोक के अंदर आ तो नहीं सकते, लेकिन ये कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, कम से कम ये तो देख ही सकती हो। परियों देखो ना, कितनी सुंदर जगह, अब मैं यहां आराम से रहूंगी और ये सोचूंगी कैसे हर लोक में मैं बुराई का राज कायम कर सकती हूं। परियों, जी भर के देख लिया ना मेरे परिलोक को, प्रचंडिका की बुराई का परिलोक। प्रचंडिका, ज्यादा खुश मत होना, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये मत भूलना कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। प्रचंडिका, हम तुम्हें तुम्हारी इस गलती की कड़ी से कड़ी सजा देंगे, और हाँ एक बात याद रखना, तुम हमारे परिलोक को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि उससे पहले हम तुम्हारा अंत कर देंगे। अच्छा, तो अगर ये परिलोक प्रचंडिका का नहीं हो सकता, तो क्यों ना मैं तुम्हारे इस परिलोक को एक बार फिर से नष्ट कर दूं, क्योंकि अब प्रचंडिका इस परिलोक को तुम परियों का तो कभी नहीं होने देगी, कभी नहीं होने देगी। गुड वॉश, ये देखा। ये क्या है? केले है। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? बॉस, शुरू किसने किया? मैं शुरू करूं? मैं बताता हूं। गुड बॉस, ये जादू यंत्र से आप मोनिका के साथ डांस कर सकता है। सच्ची? चिट्टू, बता ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बस ऐसे। अरे चिट्टू, जल्दी बता ना इस गैजेट के बारे में। अरे बताता है, एकदम आसान है मोंटू बॉस। देखो, ये जादू यंत्र का दोनों हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ है। ये इसको मैंने ऐसे अलग किया, तो एक हिस्सा आप पे लगेगा और ये दूसरा हिस्सा किसी और को लगाएगा, तो फिर दूसरा हिस्सा लगाया हुआ जैसा करेगा वो पहले वाला वैसा ही करेगा। अच्छा, इसका मतलब अगर हमने पहला हिस्सा मोनिका को लगाया और दूसरा हिस्सा मोंटू बॉस को, तो जैसे मोनिका डांस करेगी वैसे सेम टू सेम मोंटू बॉस भी करेंगे। हाँ, बिल्कुल। मैं नहीं मानता, मुझे ट्रायल चाहिए। तो ठीक है, ट्रायल दिखाता है।
मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों के सरप्राइज टेस्ट लूंगा। बैड मॉर्निंग। चिट्टू, वो यंत्र जाके मनीष को लगा दे ताकि हम ट्रायल चालू कर सके। अरे मनीष, एक पेन देना, मैं घर पे भूल गया। शार्पनर भी देना। ये ले रोहित, शार्पनर नहीं है। नहीं है तो ढक्कन ले। ढक्कन। थैंक यू मनीष। चिट्टू, ये लो यंत्रों का दूसरा हिस्सा। अब मनीष जैसा करेगा आप भी बिल्कुल वैसा ही करेगा। इसे लगाने से पहले ऑन कर देना। हाँ, शाबाश, हो जाएगा। तो बच्चों, अपना अपना पेपर लिखना शुरू करो। ओके। सही कर रहा है जैसा मॉनिटर कर रहा है। हाँ, मेरा हो गया। मेरा हो गया। सर, मेरा हो गया। गुड, वेरी गुड। सर, मेरा हो गया। तुम्हारे भी? सर, मैंने आज कहा था ना कि आज बैड मॉर्निंग नहीं, आज गुड मॉर्निंग है। अच्छा, देखते हैं। अरे वाह मंटू, आज तो तुमने भी पूरा पेपर लिखा है। सर, मोनिका के साथ डांस करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हैं? मोनिका, पढ़ाई, पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुँह क्या देख रहा है, आके बैठ चल। वाह, अब इस गैजेट से तो मैं पक्का मोनिका के साथ डांस करूंगा। यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे आसपास जरूर कोई खतरा है। वो हमारे पीछे है, इसलिए शायद हमसे बचा हुआ। एक बार वो खतरा हमारे सामने आ गया तो हमसे बच के नहीं रहेगा। सावधान।
बचाओ। बालमित्र बालवीर, बालमित्र मुझे आजाद करो प्लीज, मेरा दम घुट रहा है। बढ़िया डांस किया है ना इन्होंने, मैं भी ऐसा ही डांस मोनिका के साथ करूंगा। मोंटू बस अब बस एक ही टाइप का डांस कर सकते हो। कौन सा? हाथी डांस। अरे बेवकूफ, मैं अच्छा डांस करूं इसलिए तो इनको बुलाया है और ये गैजेट भी मंगवाया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो चिट्टू, तू वो गैजेट इनके ऊपर लगा दे और मैं मोनिका के पास जा रहा हूँ और मैं वहां से तुझे मिस कॉल मारूंगा, तो तू ये गैजेट चालू कर देना और ये डांस करेंगे समझा, और मैं भी इनके जैसा जबरदस्त डांस करूंगा मोनिका के साथ। अब जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती डांस करोगे मोनिका के साथ। मैंने जैसा कहा वैसा ही करना समझे। एक बात याद रखना, गैजेट का दूसरा हिस्सा जो आपकी जेब में रखा है उसे अपने आप बंद मत करना, हाँ, वरना उसमें से ऐसा करंट निकलेगा और आपको ऐसा झटका लगेगा। अरे हाँ, मैं वो गैजेट क्यों ऑफ करूंगा, मुझे तो मोनिका के साथ डांस करना है। मैं चाह रहा हूं तुम लोग संभाल लो। बाल सखी, बाल मित्र, हमें इस नाग की पूछ से बाल सखी को आजाद कराना होगा वरना हम बाल सखी को। नहीं बालवीर, मैं सब नहीं होने दूंगा, मैं मेरी बहन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। बाल मित्र सिर्फ जोश से नहीं होश से काम लो, ये नाग बहुत खतरनाक है, हमें सोच समझ कर इस पर वार करना होगा। बालवीर कुछ भी करो लेकिन प्लीज बाल सखी को बचा लो, वो नाग बाल सखी को निकलने ही वाला है। बाल मित्र, ये नाग शक्तिशाली है लेकिन हमें भी अपनी शक्ति का जोर इसे दिखाना पड़ेगा।
बाल सखी तुम ठीक तो हो ना? हाँ बालवीर, अब मैं ठीक हूँ। रानी परी ने बिल्कुल सही कहा था, ये रास्ता बहुत खतरनाक होगा और पता नहीं आगे कौन सा बड़ा खतरा होगा। हाँ बाल मित्र, आने वाला खतरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हम अपने साहस और सूझबूझ से आने वाले हर खतरे को पार करेंगे, परिलोक के पांचवें द्वार से परिलोक में प्रवेश करेंगे और प्रचंडिका को उसकी बुराई की सजा देंगे। प्यार की कश्ती में है प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर। मनीष, ये बेचारा मनीष तो गिर गया मोनिका, पर तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना मनीष को उठाने के लिए ना, तो उठाओ जल्दी। हाँ हट, इसमें कौन उठाएगा? अरे मैं तो तुम्हारे साथ डांस प्रैक्टिस करने के लिए हूँ ना। तो मैं डांस, वो भी मोनिका के साथ? नो 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 नो, नेवर एवर। पहले तुम जाओ और डांस सीख के आओ, उसके बाद मोनिका के साथ डांस करने की सोचो, समझे? अरे मोनिका, उसमें सोचना क्या है? देखो मैं तुम्हें अभी डांस करके दिखाता हूँ। वाई वो बॉस का विस्तार आ गया चिट्टू, इसका मतलब डांस वाले अंकल। मैं अंकल लगता हूँ यार तुझे? मतलब भैया, भाई दोस्त, शुरू कर दो अपना जलवा। अच्छा कैसे शुरू करेगा? पहले ये गैजेट लगाना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, अभी गैजेट ऑन करता है। ये अभी शुरू करो। शुरू करो। जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। मोंटू और वो भी डांस। प्रचंडिका, अभी भी समय, परिलोक से कवच को हटाकर यहाँ से चली जाओ। और हाँ, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से सुरक्षित जाने देंगे, वरना 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 क्या रानी परी, तुम यहाँ आकर मेरा अंत कर दोगी? लेकिन तुम ऐसा करोगे कैसे? तुम सब अपनी शक्तियां मिलाकर भी प्रचंडिका के प्रचंड मकुरी कवच को तोड़ नहीं सकते। जरा देखो खुद को, अपने ही बनाए हुए परिलोक के बाहर खड़े रहे, कैसे बेबस लग रही। अपने शक्ति का घमंड मत करो प्रचंडिका, क्योंकि अंत में घमंडी का सर ही हमेशा नीचा होता है। लेकिन इस बार, लेकिन इस बार, तुम सबका सर झुकेगा प्रचंडिका के साथ, प्रचंडिका, प्रचंडिका के साथ। अपने ही घर से बाहर रहकर बहुत दुख होता है ना, मगर तुम सब ने भी कई सालों मुझे मेरे घर से दूर रखा है, तो उसका बदला तो मैं लूं। लेकिन सच कहूं, इतने सुंदर नए परिलोक को नष्ट करने का दिल नहीं कर रहा। प्रचंडिका, तुम्हारी दुश्मनी हमसे है ना?
हम पे वार करो, हमसे लड़ाई करो। वक्त आने पर तुम सबका भी अंत करूंगी बाल पर, लेकिन इस समय मुझे तुम्हारे इस परीलोक को नष्ट करना है। क्या करूं, प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। वाओ मोंटू, क्या डांस किया है तुमने, मोनिका को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सुपर, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब कि मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा डांस सीखा। ओके मोनिका, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। क्या मैंने क्या गड़बड़ हो सकती है, देखना मोंटू कितना अच्छा डांस कर रहा है। वाओ, उधर मोंटू बॉस मोनिका के सामने हीरो बन गया होगा। हाँ। पता नहीं चुट्टू, क्योंकि मोंटू बॉस को है ना हीरो से ज्यादा जीरो बनने का रिकॉर्ड है। जीरो? हाँ। फोन लगाओ। ए, 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 जीरो नंबर। हाँ, मोंटू बॉस को जीरो बोलता है। नहीं नहीं, हीरो ही है वो तो। अरे चिट्टू, ये क्या चिट्टू, इस डॉगी पे गिर के चिपक गया। तो देख क्या रहा है, जल्दी से ये गैजेट को निकाल, वरना मोंटू बॉस भी ऐसा डॉगी जैसा ही करेगा उधर। ए दे दे दे। डॉगी दादा, डॉगी दादा, हमको गैजेट मांगता है। OMG, ये मोंटू को क्या हो गया, जो उसके साथ हमेशा होता है। वो मोंटू खाने जाता है पापड़ और मिलते उसे जापड़। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कहीं उन बेवकूफों ने डांसर को डॉगी स्टाइल में डांस करने तो नहीं बोल दिया, और मैं इसे ऑफ भी तो नहीं कर सकता, वरना मुझे बहुत जोर का झटका लगेगा। तुम इधर रुकना, हम अभी गैजेट लेकर आते हैं। अंदेशा बिल्कुल सही था, ये दानव तो नाग से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। हाँ बाल सखी, और हम तो इस दानव के सामने चींटी जितने लग रहे हैं। शायद यही बात हमारे लिए फायदे की हो। कैसे बालवीर? वो दानव इतना बड़ा है कि शायद वो हमें देख ही ना पाए, और इसलिए हम चुपचाप शांति से यहाँ से निकल सकते हैं।
चलो। बालवीर, भले ही इतने ऊंचाई से वो हमें देख नहीं पा रहा है, लेकिन उसके कान तो बहुत ही तेज हैं। वो हमारे हाथ से तो हमें ढूंढ ही सकता है। बालवीर, हमारी जरा सी भी आहट उस दानव को चौंकाना कर सकती है। अभी उस दानव की नजर उस तरफ है, तो हम काम करते हैं। वो देखो, वहां पर आ रही घास है। अगर हम उस पर से भाग के जाएंगे तो आवाज भी नहीं होगी और हम यहाँ से आसानी से निकल जाएंगे। दानव को पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर कोई आया भी था। चलो। घास है, इस पे पांव रखते ही और जोर से आवाज सुनने लगी। अब क्या करें बालवीर? अब एक ही रास्ता है। भागो बाल मित्र बाल सखी। अभी जल्दी से एक गैजेट उस डांसर को लगा देता है। हाँ चिट्टू चल। वैसे भी मोंटू बॉस को डॉगी डांस करते करते उनकी हालत खराब हो गई होगी। हमने वो मोंटू बॉस का डॉगी डांस मिस कर दिया यार। बड़ा मजा आता है जब मोंटू बॉस डॉगी डांस करते हो गया तेरा? अरे वो तो अच्छा हुआ हम मोंटू बॉस के सामने नहीं था,
वरना वो हमको मार मार के हमारा डांस निकाल देता। हाँ यार ये तो सही बात बोल तू। अब टाइम बचाने के लिए ये गैजेट तू ही ऑन कर ले और तू ही डांस करना शुरू कर दे। हम ऐसा ही करेगा, चल उतर। ओ गॉड मोंटू नहीं मोनिका, ओ डॉग मोंटू। मुझे मुक्का डांस भी आता है, दिखाओ। मोनिका सॉरी, मुझे अच्छा डांस आता है, पता नहीं क्या हो गया, पर तुम टेंशन मत लो, मैं कल इससे भी अच्छी प्रैक्टिस करके आऊंगा। हाँ अरे चिट्टू, तेरे को जब बोला डांस करना शुरू कर दे तो करना डांस शुरू। अभी करते डांस शुरू। हे वेरी गुड, या या वेरी गुड। लो फिर से शुरू हो गया, पहले तो डॉगी डांस था, अभी मंकी डांस। मोंटू मंकी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड चिट्टू, वेरी गुड। मोनिका वो क्या है ना, मैं तो बस ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था कल के लिए वार्म अप रिहर्सल। हाँ वो अबे किधर है गैजेट, अबे ढूंढ। अरे फोन ये क्या किया तूने, गैजेट कैसे लाएंगे? मीना ने ये सोच कि मोंटू बॉस डांसर से बॉक्सर बन जाएगा। फिर बाबा सब गड़बड़ हो गया। चुप, साइलेंट हो जाओ वरना मोंटू आइलैंड हो जाएगा। दानव बहुत ही गुस्से में, ये हमें कभी भी पांचवें दौर तक नहीं पहुंचने देगा। अरे पांचवें दौर की छोड़ो, पहले ये सोचो कि हम यहाँ से जीवित भी जा पाएंगे या नहीं। सबकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, अगर मुझे इस दानव को हराना है तो मुझे इसकी कमजोरी को ढूंढना होगा।
इस दानव की काम इसकी शक्ति है और इसकी कमजोरी भी। इसलिए अगर इस दानव पर कोई शस्त्र काम करेगा तो वो है शोर। रानी परी, दो जीत का मंत्र है, आ जाए मेरे पास ध्वनि यंत्र। चल अब उस बॉक्सर से गैजेट लेते। हाँ नहीं नहीं नहीं, आ तू चला जा, ये मुझे बहुत खतरनाक लगता है। अबे चल चिट्टू चल। डॉक्टर भैया माइंटे ये क्या कर रहे हो? अरे रुक क्यों गए? अरे कंटिन्यू वाह वाह। बॉक्सर भैया हमें ना वो चाहिए, वो क्या किशोर चाहिए? अभी देता हूँ। पता नहीं बेवकूफ उस गैजेट से क्या किए जा रहे हैं। ऐसे मोनिका इंप्रेस होने के बजाय डिप्रेस हो जाएगी। सर, मोंटू ने आपकी दोनों आंखें काली कर दी। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। रोहित कैसे? चल अरे चलो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मंडू। सॉरी सर। मेरा सोचना सही था, इसके कान ही इसकी कमजोरी है और इसीलिए अब मैं सीधा इसके कान पर ही वार करूंगा। आंखें खोलो बाल मित्र, बाल मित्र होश में आओ। ये दानव तो हमारे पास गिर रहा है बालवीर। तुम्हें इस दानव को अपनी शक्ति से स्थिर करना होगा।
उठो। इस बार तो हम जैसे तैसे बच गए बालवीर, लेकिन आगे कौन सी मुसीबत मिलेगी ये हम कह नहीं सकते। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना, लेकिन हम तीनों उसका डटकर सामना करेंगे और परीलोक में प्रवेश करके ही रहेंगे। सर, शेर मंटू की शरारतें बढ़ती जा रही है सर। ये तो पूरा स्कूल जानता है, कोई नई बात बताइए। हसमत पर सर, इस बार तो इसने हद कर दी सर। ये देखिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं है मतलब ये तुम्हारी हद नहीं है, तुम्हारी शरारत और बढ़ेगी, मतलब तुम मुझे और मारोगे। नहीं सर, मैंने कहने का ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था सर? मेरा मतलब तो ये है सर, मैं ना मोनिका को मोंटू, मोनिका का नाम बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें सर से माफी मांगनी चाहिए। नहीं 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 सर, माफी वाफी से कुछ नहीं होने वाला, इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए सर। सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं ये कैसे हो गया, वरना मैं तो एक मोटा सा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूँ सर। छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मोंटू। हाँ सर। शट अप, आजकल मुझे तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स आने लगी है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। बेचारे मोंटू बॉस का इम्प्रेशन बॉक्सर बन के मोनिका के सामने तो एकदम खराब हो गया होगा। हाँ तो हम दोबारा ठीक कर देता है, हम इस गैजेट को वापस डांसर बाजार पे लगा देता है। डांसर भैया, अब ये गैजेट आप फिर से लगा लीजिए। हाँ, इस बार एकदम तड़कते भड़कते गाने पे डांस करना। हाँ, मजा आएगा मोंटू बॉस को। सर सच्ची, मैंने जानबूझकर नहीं किया सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहता हूँ। सर आप सुनना नहीं चाहते तो मैं गाकर सुनाता हूँ, गाकर समझाता हूँ। तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सर मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे इस बार के लिए माफ कर दीजिए, वरना मुझे मेरे पापा को बुलाना पड़ेगा। जो स्कूल के ट्रस्टी है, अभी बुलाते। नहीं 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 बेटा, नो पापा पर सर ये, अरे नो पापा यार, नो पापा, नो पापा। हाँ गुड बॉय गुड बॉय। देखो देखो, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ हाँ, लेकिन अगली बार से सर की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। ओके ओके सर, नहीं कंप्लेंट आएगी। देखो कितना प्यारा, कितना क्यूट बच्चा है ना। प्यारा है, प्यारा बच्चा है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, we'll be right back.
द्वार तो बिल्कुल परीलोक के पुराने द्वारों जैसा है, यानी परीलोक में प्रवेश करने का यही पांचवा द्वार है। तो फिर देर किस बात की बारवी, चलो जल्दी से प्रवेश करते हैं परीलोक में। सच्चाई और अच्छाई के मजबूत इरादों की उड़ान बड़े से बड़े खाई को पार कर सकती है। हाँ, अगर हम इसे चलकर नहीं तो उड़कर इस खाई को पार करेंगे। बाजी, हम तो उड़ नहीं पा रहे हैं। लगता है हमारी जादुई शक्ति यहाँ पर काम नहीं कर रही है और इसलिए यहाँ पर ये खाई बनाई गई है ताकि हम पांचवें द्वार तक ना पहुँच पाए। तो अब हम पांचवें द्वार तक कैसे पहुँचेंगे बालवीर?